परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये पंक्तियां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर चरितार्थ होती हैं। शांत स्वभाव, कम बोलना पर बेमिसाल हुनर। आज भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 8वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा जीवन देश सेवा और मानवता को समर्पित है। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलें बनाई हैं, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये तो हुई कलाम साहब के जीवन की एक झलकी, पर अब बात करेंगे उनके जीवन के एक ऐसे दौर के बारे में जब डॉक्टर कलाम आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कलाम वायुसेना ज्वाइन करना चाहते थे। वे वायुसेना के इंटरव्यू के लिए देहरादून पहुंचे, जहां 25 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, पर चयन सिर्फ 8 लोगों का होना था। अब्दुल कलाम 9वें स्थान पर आए और महज एक नंबर से उनका चयन नहीं हो पाया। डॉक्टर कलाम इस बात से इतने परेशान हो गए कि गंगा के किनारे आत्महत्या करने चले गए। वहां उन्हें स्वामी शिवानंद मिले, जिन्होंने उनसे उदासी का कारण पूछा। बात पूरी होने पर स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम से कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इस असफलता को भूल जाओ, क्योंकि तुमको अपने भाग्य के पथ पर चलना है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी असफलताओं पर निराश होने के बजाय भविष्य को सुधारने का फैसला किया। डॉक्टर कलाम को स्वामी शिवानंद ने कुछ पैसे दिए और एक गीता देते हुए अपनी राह को तलाशने के लिए आश्रम से विदा किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम की मेहनत का लोहा पूरी दुनिया ने माना और साल 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। 27 जुलाई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।